आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है इज़रा की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 1-17। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इसराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह, जो एलाम के वंश में का था, इज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियाँ ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इसराइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसे सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब इज़रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इसराइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वाचा के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियाशिब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामिन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब इज़रा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली, और इससे इसराइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो, और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और वर्षा का समय है, और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली हों, वे नियत समयों पर आया करें, और उनके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल असाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजिया खड़े हुए, और मशुलनाम और शबत्ते लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब इज़रा याजक और पितरों के घरानों के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और 1वें महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था।